नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद फिरोजाबाद के सिकोहाबाद में जिला अधिकारी के निर्देशन पर जनपद में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत खाद्य विभाग की टीम ने होली के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए मिलावट खोरों के विरुद्ध छापा मार कार्यवाही कर लिए नमूने। फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। होली के पर्व को दृष्टिगत रखते हुए जगह जगह नमूने चेकिंग की कार्रवाई चल रही खाद्य पदार्थों की, ताकि आम जनमानस को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। उसी प्रयास में आज भी 6 नमूने लिए गए, 7 नमूना यहाँ भी लिया गया। यहाँ पर सुखाबाद में आर्यम एंटरप्राइजेज है, जिस पर इनवास फूड का लाइसेंस है, ब्रांडेड तेल और घी बेचते हैं। और यहाँ पर इनको परिसर में देखा गया, मैंने देखा कम से कम 70 खाली टिन कंटेनर 15 लीटर वाले खाली हैं, जिस पर विद ब्रांड का नेपाल में मैन्युफैक्चर पैकर का एड्रेस लगा हुआ, लेबल लगा हुआ है, और अन्य ब्रांड के भी खाली टीना है, लगभग 100 टीना है। तो मुझे संदेह हो रहा है इस टीनों में ये रिफिल करेंगे, क्योंकि हमारे एक्ट में प्रावधान है कि खाद्य तेलों का रिफिल नहीं कर सकते हैं। फिलहाल इनके पास इनके यहाँ रैपर वगैरह तो नहीं मिला, सीलिंग मशीन तो मिली है। तो ये इनका कहना है कि हम कबाड़ में बेचने के लिए रखे हैं। इनको हिदायत दी गई है कि इस परिसर में कोई खाली टिन कंटेनर ना रखें, अन्यथा इनके विरुद्ध कार्रवाई। सर आज और एक नमूना भी इनके यहाँ तेल का लिया गया है, उसकी जांच रिपोर्ट आने पर इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आपने कहाँ का कार्रवाई की? आज जसराना में 5 नमूने लिए गए 4 प्रतिष्ठानों से। सगन में भी एक डेयरी से पनीर का नमूना लिया गया। इस तरह से निरंतर चेकिंग अभियान। सर जहाँ जहाँ देखा जाए, ज़्यादातर जब जब त्यौहार आता है तब तब खाद्य विभाग कुंभकर्ण की नींद जागता है, और कहीं ना कहीं ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, साल भर अनवरत कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं, आपको संज्ञान में नहीं आ पाता होगा, और नमूने हर महीने लिए जाते हैं। हाँ, थोड़ा अभी त्योहारों के समय डिमांड बढ़ जाती है खाद्य पदार्थों की, तो मिलावट की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए थोड़ा चेकिंग अभियान भी शासन के आदेश होते हैं, जिलाधिकारी महोदय के आदेश होते हैं, तो उसके क्रम में थोड़ा तेजी आ जाती है। जैसे साल भर कार्रवाइयाँ।